यस गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में हमने भाषा टॉपिक पढ़ा था और आज हम वर्ण एवं वर्णमाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, देखो जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या होती है, बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, ये चित्र किसका है, भालू का है, भालू का। इसके बाद ये चित्र किसका है, बच्चे का, इसका चित्र है ये बच्चे का। ठीक है, तो भालू में चार ध्वनियां हैं, भालू में कितनी ध्वनियां हैं, चार ध्वनियां। टॉपिक डालेंगे आप अपना, स्वर किसे कहेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर।
स्वर के हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर। स्वर जिन जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने होते हैं? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से? ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, व्यंजन किसे कहेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। परिभाषा लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से उन्हें क्या कहते हैं व्यंजन। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। और हिंदी भाषा में व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। कौन कौन से? तो Thank you.
ठीक है ना बच्चों, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। कितने होते हैं? 33। वर्णमाला में अन्य व्यंजन भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो। कितने होते हैं वो? दो अतिरिक्त व्यंजन या अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन, अन्य व्यंजन कौन कौन से आपके? एक तो द और एक ह, ये दोनों जो है वो अन्य व्यंजन है। क्या है? अन्य व्यंजन। ये व्यंजन किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। ये जो व्यंजन है ये किसी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते हैं। ये या तो शब्द के बीच में आते हैं या फिर अंत में आते हैं। ये या तो शब्द के बीच में आएंगे या फिर कब आएंगे? अंत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सड़क, सो जड़, घट आदि। ठीक है बच्चों, इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। कौन कौन से? क्षर, त्र, ये और समी वाला। संयुक्त व्यंजन चार होते हैं, क्षर, त्र, ये और ये। इसे कहेंगे ये चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन है ये दो व्यंजनों के मेल से बनेगा। कितने व्यंजनों से? दो व्यंजनों के मेल से बनेगा। क्षर, ये क प्लस क्ष बराबर क्ष, क्ष क्या बन गया? क्ष। फिर क प्लस र बराबर त्र, क्या बन गया? आधा त प्लस र और त्र। इसके बाद ज, क्या बन गया? ये। इसके बाद शेर प्लस रेड प्लस शेर, क्या बन गया? शेर। ठीक है बच्चों, संख्या में कितने होते हैं ये? चार। कितने होते हैं? चार। अब अयोगवा है। अब क्या है? अयोगवा है जो वर्ण न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है उन्हें कहते हैं अयोगवाहक। क्या कहते हैं? अयोगवाहक। जो वर्ण न तो स्वर होगा और न ही व्यंजन होगा उसे क्या बोलेंगे? अयोगवाहक। ये कितने होते हैं? दो। अयोगवाहक कौन कौन से होते हैं? एक तो अंग और दूसरा होता है अहर। ठीक है ना, एक तो अंग तथा अहर, ये अयोगवाह है। क्या है ये? अयोगवाह है। ठीक है, अंग तथा अहर। इसके बाद है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसका चिन्ह एक बिंदु होता है और ये कहाँ लगता है? ऊपर लगता है, जैसे कंधा, बंदर आदि। अंग को क्या कहेंगे? अनुस्वार। और इसका चिन्ह कौन सा होता है? इसका चिन्ह है
ऊपर बिंदु लगता है, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है? ये बिंदु होता है। एग्जाम्पल कौन से? जैसे कंधा, पंदर आदि, ठीक है। इसके बाद है आपके अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहेंगे? जो चंद्र बिंदु की जो मात्रा होती है ना, ये ए के ऊपर, उसको अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। और इसका चिन्ह जो होता है, चंद्र बिंदु होता है। इसका चिन्ह कौन सा होता है? इसका चिन्ह है कि चंद्र बिंदु की मात्रा होती है, ठीक है। कोई भी मात्रा नहीं होती है, यह व्यंजन में पहले लगती है।